एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल फैंटेसी कैप्टन पर। तो इस वीडियो में बात होगी दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद के बीच में। देखो बहुत ज़्यादा बातें कुछ बताने के लिए नहीं है, बस मैं एक कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा हूँ, ड्रीम इलेवन की टीम उस कॉम्बिनेशन के ऊपर बना रहा हूँ। आपके चेंजेस हो सकते हैं, बट छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना कि कॉम्बिनेशन जो होगा आपका बैलेंस होगा, जो कि मैंने इस मैच में ट्राई भी किया है। चलो ठीक है, ड्रीम इलेवन की टीम मैंने बना के रखी है, एक ही टीम बनाई है इस मैच में, मल्टीपल टीम्स में नहीं बना रहा हूँ। आप मल्टीपल बना सकते हैं, आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी बता दूं, जिसको टेलीग्राम में चुनना है, जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में लिंक है, आप आ सकते हो। फाइनल टॉस के बाद की अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। पहले मैं स्टैट्स एनालिसिस आपके सामने रख देता हूँ, फिर बात करूँगा ड्रीम इलेवन की टीम की। पहले दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेता हूँ। देखो दिल्ली कैपिटल्स मेरी तो फेवरेट टीम है यार, आप लोगों की हो सकती है अलग अलग हो, लेकिन कैपिटल्स मेरी फेवरेट टीम है इस सीज़न के लिए। ओके, सामने हैदराबाद है, हैदराबाद की जैसे दिक्कत ही है मिडिल ऑर्डर बहुत कमज़ोर है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है इसमें, इस टूर्नामेंट में। मुझे शिखर धवन, पृथ्वी शॉ ओपनिंग कर रहे हैं, पिछले मैच की बात करूँ तो पृथ्वी शॉ 64 और शिखर धवन 35। ठीक है, तो एक वो स्ट्राइकर का रोल निभाया था पृथ्वी शॉ ने, और स्ट्राइक रोटेट करने का रोल निभाया था शिखर धवन ने। हालांकि ये स्टार्टिंग में ही तय हो जाता है, कोई एक खिलाड़ी तेज खेल रहा होता है, दूसरा खिलाड़ी धीरे खेल रहा होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि हैदराबाद के पास ऑफ स्पिनर मोहम्मद नबी है, तो आपको हो सकता है कि ऑफ स्पिनर नबी का रोल या फिर उपयोग जल्दी ही स्टार्टिंग में, मैच के स्टार्टिंग में शिखर धवन के अगेंस्ट होता हुआ मिल सकता है। और जैसा कि कल मैंने कहा भी था टेलीग्राम पे, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे को अभी एकदम से याद आ गया, तो मैं आपको दिखा के सुना देता हूँ कि कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कल का मैच हुआ था आरसीबी का। अच्छा ये बात सुनो पहले आप, एक बात मैं पर्सनली इस मैच में कह दूँ, आरसीबी वर्सेस एमआई वाले में वॉशिंगटन सुंदर और ईश्वर उड़ाना आपके लिए काफी क्रुशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ बॉलिंग डिपार्टमेंट से वॉशिंगटन सुंदर, और अगर लेट में बैटिंग आई तो ईश्वर उड़ाना। आई एम रिकमेंडिंग, अगेन सुन लो, वॉशिंगटन सुंदर पे एक बड़ा ट्रस्ट कर सकते हो इस मैच में। ये नहीं कह रहा 3-4 विकेटों के लिए नहीं, पर 1-2 विकेटों के लिए आप वॉशिंगटन सुंदर को एज अ बॉलर देख सकते हो, बट उस केस में आपको बैंगलोर के 3 बॉलर रखेंगे। थैंक यू, और ओके डिपेंड आपके ऊपर करेगा, टीम 1, टीम 2, टीम 3, 3 अलग अलग टीमें। मेरा जो बड़ा फेथ है वो विराट कोहली और एरन फिंच, 2 खिलाड़ियों के ऊपर इस मैच पर रहेगा। टीम 3 की तरह अगर आप नजर डालोगे तो वॉशिंगटन सुंदर को मैंने सुना ग्रैंड लीग की टीम लिखा भी है, थोड़ा सा मेगा कॉन्टेस्ट के हिसाब से उतारना उसको, अगर आप 20 नंबर से ऊपर खेल रहे हो तो टीम 3 में वॉशिंगटन सुंदर को रखा है। अगर इसको ओवर दे देता है विराट कोहली, तो आई थिंक विराट सुंदर को स्टेज पर काफी हेल्प मिलेगी, बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट इज युजवेंद्र चहल वर्सेज एडम जाम्पा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने सुना मैंने 10 बार तकरीबन ये बात बोली थी कि टेलीग्राम पे अपडेट भी करके बता दिया था, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि यहाँ पे अगर आप मेरी 3 टीमें देखेंगे, 3 टीमें भले टीमें जैसी भी हैं, मैंने ईशान किशन को गाइज हर टीम में उठाया, क्योंकि मुझे मिडिल ऑर्डर पर सूर्य कुमार यादव पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, बाहर निकलती बॉल में मुझे था उसका क्या आउट हो जाएगा। एंड वॉशिंगटन सुंदर को आपने देखा होगा कितनी इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी, तो ये सारी की सारी प्लान चीज़ें होती हैं पिच रिपोर्ट देखने के बाद, ग्राउंड कैसा है, ख़राब है, अच्छा है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं आपको ये चीज़ें बोलता हूँ। ये चीज़ें हवा में नहीं बोली जाती हैं, स्पेशली मैं हर मैच में ये बातें नहीं बोलता, किसी किसी मैच में ये चीज़ें छोटी मोटी बातें जो होती हैं ये आपको बोल देता हूँ, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस मैच में वापस आ रहा हूँ, ठीक है, इस मैच में वापस आ रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट होता है वरना इन चीज़ों में। ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ें पता होती है, हर बार मैं नहीं बोल पाता हूँ वीडियो में, तो मैं इसको बेस अपने दिमाग में रख के या इसको बेस मान के ही टीम बनाता हूँ। शिखर धवन को यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, पृथ्वी शॉ को ट्राई कर सकते हो, लेकिन पृथ्वी में धवन को ही लेना चाहता हूँ, लेकिन पृथ्वी को लेने का एक ही कारण है कि क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट, बस क्रेडिट पॉइंट, और कोई कारण नहीं है। श्रेयस अय्यर आपके पास एक बहुत बेटर ऑप्शन है, बस दिक्कत यह है क्रेडिट पॉइंट। आप देखेंगे धवन के क्रेडिट बहुत हाई है, शिखर श्रेयस अय्यर के बहुत हाई है, ऋषभ पंत के बहुत हाई है। ठीक है, बॉलिंग में जाओगे तो काफ़ी सर रबाडा के बहुत हाई है, तो काफ़ी हाई क्रेडिट। और हैदराबाद से तो यार दोनों ओपनर डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो इतने हाई क्रेडिट लेकर आ रखे हैं कि आप उनको झेल ही नहीं पाओगे, तो ये फैसले आपके ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंसी करेंगी कि करते क्या हो। चलो मैं इंपॉर्टेंट अपने पिकअप बता दूँ इस मैच में, पृथ्वी शॉ शिखर धवन में से कोई एक लेके चलूंगा मैं। ठीक है, मैं धवन चाहता हूँ लेकिन क्रेडिट की दिक्कत है, बाकी श्रेयस अय्यर और पंत में से भी कोई मैं एक लेके चल जाऊँगा, तो पंत के साथ मैं जा रहा हूँ, आप अय्यर के साथ भी जा सकते हैं, और हेटमायर और स्टॉइनिस में से भी एक। अब ऐसा नहीं है कि दो दो चुन रहा हूँ उसमें से एक एक उठा रहा हूँ, नहीं, वो बैलेंस बनाने के लिए है वो मैं चॉइसेस। जहाँ पे मैंने शिखर मार्कस स्टॉइनिस को रखा है वहाँ पे आप शेमरन हेटमायर को रख सकते हो, जहाँ पे मैंने पंत को रखा है वहाँ पे आप अय्यर को रख सकते हो, जहाँ पे मैंने धवन को रखा है वहाँ पे शॉ को रख सकते हो, कॉम्बिनेशन अगर आपको चेंज नहीं करना है तो। बाकी अक्षर पटेल बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट ठीक है, ठीक है, लेकिन रबाडा और अमित मिश्रा पर स्पेशली मेरा इस मैच में काफ़ी फोकस रहेगा, क्योंकि हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है और अमित मिश्रा वहीं पे बॉलिंग करता है 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर के बीच में, इसका 4 ओवर का स्पेल कटता है, तो ये बात अपने ध्यान में लेकर के चलना कि अमित मिश्रा आपके लिए क्रूशियल रोल इस मैच में इंपॉर्टेंट निभा सकता है। अच्छा दिल्ली की तरफ से न्यूज़ दे दूँ, अश्विन जो है फिट हो चुका है, लेकिन इसका फाइनल मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है, एक प्री मेडिकल टेस्ट हो चुका है जिसको इसने पास कर लिया, लेकिन फाइनल मैच अगर खिलाना है तो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि यार अभी बीच में एकदम से अमित मिश्रा को यहाँ पर खिलाना शुरू कर, रविचंद्र अश्विन को खिलाना शुरू देंगे नहीं। बाकी ईशान शर्मा तो अभी भी अनफिट है, वो तो भारी है, उसके आने आएगा तो मैं आपको न्यूज़ दे दूंगा। चलो
केन विलियमसन के भी कोई चांसेस नहीं है हैदराबाद से। डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो ओपनिंग करेंगे, 3 पे पांडे। 4 नंबर पर रिद्धिमान साहा आया था, लेकिन रिद्धिमान साहा ने जो बैटिंग पिछले मैच में की उसको देख करके मैं रिद्धिमान साहा को बिल्कुल अपनी टीम में नहीं लेने वाला, बिल्कुल भी नहीं। जिस प्रकार की इसने बैटिंग पिछले मैच में करके दी थी उससे मैं इतना निराश हुआ। हालांकि क्रेडिट पॉइंट इसने दिला दिए थे, पिछले मैच में 30 रन बनाए, 31 गेंदें खेली, बहुत ही। मेरे को लगा नहीं कि T20 का बैट्समैन है, ऐसा कोई T20 का बैट्समैन खेल रहा होगा। तो रिद्धिमान साहा को तो मैं बिल्कुल भी ट्राई करने नहीं वाला। स्पिन पर बहुत स्ट्रगल करता है रिद्धिमान साहा, पेस इसको पसंद है, ताकत कम लगाता है तो गैप्स वैप में मार देता है, लेकिन स्पिन के खिलाफ तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही थी रिद्धिमान साहा की। नबी को जरूर लेकर चलना अपनी टीम में, पावर प्ले का स्पेल करा सकता है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन, 4 ओवर पूरे करके दे रहा है। अभिषेक शर्मा देखो बॉलिंग ज़्यादा नहीं करता है, हार्ड हिटर है, थोड़ा एंड में आके मार सकता है, पर अभी नया नया खिलाड़ी है। राशिद खान इंपॉर्टेंट ऑप्शन इस मैच में, भुवनेश्वर कुमार को मैं रखूंगा अपनी टीम में। और याद रहे भुवनेश्वर कुमार को मैंने अपनी टीम में रखा है उसके साथ साथ, क्योंकि मुझे पता है भुवनेश्वर कुमार के 4 में से 2 ओवर पावर प्ले में कटेंगे। उसको देखते हुए मैंने अपने 2 बैट्समैन डेली कैपिटल के टॉप 3 में से ड्रॉप किए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। पंत को मैंने विकेट कीपर में से लिया नंबर 1। डेविड वार्नर मेरा फिर से एक बार इस पर ट्रस्ट रहेगा। तो देखो यहाँ पे जॉनी बेस्टो होगा, जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर, ये 2 ऑप्शन है, मैं किसी एक को ही ले सकता हूँ, क्रेडिट की तो बहुत दिक्कत है। नीचे आते हैं, मनीष पांडे को मैंने उठाया पिछले मैच में, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ने शो करी, डेलिबरेट परफॉर्मेंस दी इसने। श्रेयस अय्यर 3 नंबर का बैट्समैन ने ड्रॉप किया, जैसे कि मैंने बताया किसी 2 को तो ड्रॉप करना पड़ेगा। पृथ्वी शॉक को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 8.5 क्रेडिट में। आप हेटमायर को मैं रिकमेंड करूँगा, हेटमायर को देखे बिल्कुल ही छोड़े मत हेटमायर को भी। नीचे से आता हूँ, वो भी उस केस में जो टीम मैंने बनाई, अगर आप श्रेयस अय्यर को नहीं लेते हैं और एक ओपनर भी कोई भी पृथ्वी शॉ या शिखर धवन नहीं लेते हैं, तो उस केस में आपको शिमरन हेटमायर अपनी टीम में लेके चलना है, बैटिंग पूरी में लेके शिमरन हेटमायर को। नबी को अपने टीम में पिक किया है, मार्कस स्टोइनिस को पिक किया, मार्कस और हिटमायर के बीच में आपके बीच में फैसला फिर पिकअप करेगा। स्टोइनिस का जरूरी नहीं है कि 4 ओवर ही कराएगा या 1 ओवर भी कराएगा, मैंने पिछली वीडियो में ये बात बोल दी थी कि मार्कस स्टोइनिस या तो 1 ओवर कराएगा या 1 भी नहीं कराएगा, और एक्जैक्टली पिछले मैच में ऐसे ही हुआ। अक्षर पटेल का भी इस मैच में यही है, देखो अक्षर पटेल का भी डाउटेड है कि 4 ओवर करेगा या नहीं करेगा। इस मैच में अक्षर पटेल डाउटेड है कि 4 ओवर करता है कि नहीं करता है, हालांकि करने चाहिए बट स्टिल थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट लग रहा है। ठीक है, एज अ कैप्टन जो सोच इस वक्त श्रेयस अय्यर की होगी उस सोच के हिसाब से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। राशिद खान को रखा है, कागिस और रबाडा, ये 2 मैंने आपको बताया भी है, T20 क्रिकेट हो रहा है अगर तो राशिद खान और रबाडा तो मेरे हर मैच में, हर मेरी टीम में, कहीं भी कुछ भी खेल रहे हो, ये दोनों मेरी हर टीम में रखे जाएंगे, मैं कभी भी इनको ड्रॉप नहीं करने वाला। क्या मैच चल रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये मेरी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार को रखा मैंने अपनी टीम में, यहाँ से मैंने लास्ट अमित मिश्रा को रखा है, मिश्रा पर मेरा बड़ा फेथ है इस मैच में। टीम का प्रीव्यू देखो, ओके स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी यहाँ पे अगर आप श्रेयस अय्यर को उठाते हो तो श्रेयस अय्यर को भी उठा लो, ये आपके ऊपर फैसला डिपेंड करेगा। ठीक है, नीचे आते हैं, ये रहे मेरे ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स, बाकी आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डेडलाइन के बाद की अगर फाइनल अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे ही बताऊंगा और कहीं नहीं बताऊंगा। अगर प्लेइंग 11 में कोई चेंज होता है तो आपको बताऊंगा, बाकी अगर कोई और भी चेंज होता है तो भी प्लेइंग 11 चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ बॉलर्स ओवर चेंज हो जाते हैं, तो उस चीज़ के हिसाब से अगर कोई चेंज होता है तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आपको वहीं पे बता दूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही यार, मुझे वीडियो लेंदी नहीं खींचना है क्योंकि बहुत सारे मैचेस हैं, ECS के मैचेस भी कवर करने होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।